नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी डायरीज़ में। हमारी ऑनगोइंग सीरीज़ एनसीईआरटी में हमने स्टार्ट की है ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 और उसका चैप्टर है 2। चैप्टर का नाम है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब देखिए, जैसा कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि अर्थ जो है ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, ये स्लाइटली फ्लैटेंड है पोल्स पे और बल्ज है मिडल में, तो उसको कहते हैं हम जियर्ड लाइक शेप या अर्थ लाइक शेप। अब देखिए, ग्लोब के बारे में बताया गया है। ग्लोब जो है ट्रू मॉडल या मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ भी इसको बोला जाता है। ये क्या शो करता है? कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस वगैरह करेक्ट शेप में, करेक्ट साइज में शो करता है। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ एक स्फीयर है, तो अब एक क्वेश्चन उठता है कि किसी भी प्लेस को उस पर लोकेट कैसे करें। तो उसके लिए हमें चाहिए कुछ सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंसेस या लाइंस, ताकि हम किसी भी प्लेस को आसानी से अच्छे से लोकेट कर सकें। अब देखिए, इसमें एक चीज़ होती है, ग्लोब को इस टिल्टेड मैनर में, एक नीडल जो है यहाँ पर फिक्स की जाती है, ये टिल्टेड मैनर में है, तो ये अर्थ की एक्सिस को दर्शाता है। हमारे अर्थ की एक्सिस टिल्टेड है, ना कि स्ट्रेट, तो इससे पता लगता है कि अर्थ हमारे टिल्टेड एक्सिस पर एक मोशन शो करता है, उसे कहते हैं रोटेशन। इसके ऊपर जो एक पोल होता है उसे कहते हैं हम नॉर्थ पोल, और नीचे वाले पोल को हम कहते हैं साउथ पोल, जिसमें से हम नीडल निकलती है। और ये जो है नीडल, एक्चुअल में देखिए एग्जिस्ट नहीं करती है नीडल। आप अर्थ देखेंगे तो इसमें नीडल थोड़ा या एक्सिस थोड़ा आपको शो होगी, उसमें जो है इसको इमेजिनरी लाइन के तौर पर माना गया है, कि एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जिसके अराउंड अर्थ अपना रोटेट करती है, उसको हम कहेंगे एक्सिस। एक दूसरी लाइन भी इमेजिनरी लाइन है हमारे पास, जैसे कि इसमें एक्सिस है वैसे एक इमेजिनरी लाइन हमने सोच रखी है, उसको कहते हैं हम इक्वेटर। जो इक्वेटर है वो क्या करता है, अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। जिस प्रकार जो स्फेयर होता है उसको अगर हम बीच में से काट दें तो वो टू हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, इसी प्रकार से ये भी दो हाफ में डिवाइड होगा। इक्वेटर बीच में है, ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं नदर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर जो है वो एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट के तौर पर है। कैसे? अब देखिए, इक्वेटर के जो पैरेलल लाइंस जाती हैं उन्हें कहते हैं हम पैरेलल सर्कल्स। ये पैरेलल सर्कल्स को हम कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, इन्हीं को कहा जाता है लैटिट्यूड्स। अब देखिए, ये रेफरेंस पॉइंट माना जाता है इसमें इक्वेटर। इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री पर स्थित होता है, और इसके ऊपर जैसे जाते रहेंगे तो वो यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे 90 डिग्री पे, नॉर्थ पोल। अब जैसा कि हम जानते हैं, अर्थ से यदि हम ये डिस्टेंस नापें नॉर्थ पोल तक का, तो ये बनाता है हमारा 1/4 ऑफ अ सर्कल। इस सर्कल से देखिए समझते हैं हम, ये है सर्कल, 1/4 ऑफ अ सर्कल होगा ये। यहाँ इक्वेटर से लेके पोल तक यदि हम देखें तो ये है 1/4 ऑफ द सर्कल। पूरा जो सर्कमफ्रेंस है वो होगा कवर 360 डिग्री का, और 1/4 क्या होगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री लैटिट्यूड पर हमारा नॉर्थ पोल स्थित है, और इसी प्रकार ही जिस प्रकार ये 90 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ पर नॉर्थ पोल स्थित है, उसी प्रकार 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे साउथ पोल स्थित है। और ये जो पैरेलल्स इक्वेटर के ऊपर रहते हैं इनको हम कहते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड्स, ये नॉर्थ लैटिट्यूड्स हैं, और इनको कहते हैं हम साउथ लैटिट्यूड्स। इसीलिए कोई भी लैटिट्यूड हमें अगर शो करना है तो उसको या तो हम एन से दिखाते हैं या हम एस से दिखाते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ऊपर इसको दिखाया गया है एन एन, ये है एस एस। ये क्या डिपेक्ट करता है? ये डिपेक्ट करता है उसकी साउथ हेमिस्फीयर में है या नॉर्थ वाले हेमिस्फीयर में है। अब देखिए, इसमें एक और एग्जांपल बताया गया है कि नॉर्थ और साउथ, ये दो एग्जांपल बताए हैं, एक है चंद्रपुर का, एक है बेलो होरिजोंटे ब्राज़ील का। इन दोनों की क्या खासियत बताई गई है कि दोनों 20 डिग्री पर स्थित हैं। 20 डिग्री पर स्थित होने के बावजूद हम इनकी प्लेस को कैसे लोकेट करें? उसको लोकेट करने के लिए हमें चाहिए या तो एन या एस। इसमें से जो 20 डिग्री एन है वो है हमारा चंद्रपुर, और जो 20 डिग्री एस है वो है बेलो होरिजोंटे इन ब्राज़ील।
तो देखिए इससे हमें इम्पोर्टेंस पता चलती है एन या एस लगाने से कि आइदर इट इज़ अबव द इक्वेटर और बिलो द इक्वेटर। अब देखिए इसमें बता रखा है कि चार हमारे पास ऐसे लेटीट्यूड होते हैं, पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड, जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल। इनके लोकेशंस आप देख सकते हैं 23.5, ये 66, 1.5। इसी प्रकार से ऊपर भी यही रहेगी लोकेशन, 66.5, 23.5, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ। एक और इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ बता रखी है कि किस प्रकार से हम पोल स्टार से, एंगल ऑफ द पोल स्टार से, मतलब अगर हम इस एंगल को माप लें अपने प्लेस से, तो हम जान सकते हैं हम किस लेटीट्यूड पर खड़े हैं उस समय। तो लेटीट्यूड जानने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इस डायग्राम में समझते हैं हम इस चीज़ को। मान लीजिए ये है हमारी अर्थ और ये है पोल स्टार, ये पोल स्टार है। अब अगर इंसान, कोई भी इंसान यहाँ खड़ा है नॉर्थ पोल पे, इसको मान लेते हैं हम होराइज़न, इसका कलर देख लेते हैं हम एक बार चेंज करके, इसको मानेंगे हम ऊपर वाले को होराइज़न, ये होराइज़न है, पोल स्टार था यहाँ पे। तो यहाँ से हम इसका एंगल देखेंगे, पोल स्टार पे जाते जाते क्या एंगल बना रहा है, ये यहाँ बना रहा है 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी व्यक्ति यहाँ खड़ा है वो खड़ा है 90 डिग्री लैटिट्यूड पे, इसका मतलब वो खड़ा है नॉर्थ पोल पे। यदि एक इंसान यहाँ खड़ा है इधर की साइड, अब वो ये नॉर्थ पोल की डायरेक्शन देखेगा, ये है होराइज़न। होराइज़न से यदि हमने इसकी डायरेक्शन देखनी है तो हम कैसे देखेंगे, एक मिनट, यस ये होराइज़न मान लिया, ये था पोल स्टार, यहाँ से इसकी डायरेक्शन देखनी है, होराइज़न के पैरेलल देखिए, क्योंकि एक यहाँ खड़ा है तो यहाँ तो नहीं देखेगा क्योंकि नॉर्थ पोल यहाँ पर है, नॉर्थ पोल को ही देखना है हमें यहाँ खड़े होके। तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये लगभग पैरेलल एंगल बना रहा है, मतलब 0 डिग्री। इसका मतलब 0 डिग्री का मतलब क्या है, जो भी व्यक्ति खड़ा है वो इक्वेटर पर खड़ा है। इसी प्रकार से आप अर्थ पे किसी भी डायरेक्शन को, किसी भी प्लेस को आप देख सकते हैं, उसका लैटिट्यूड जान सकते हैं पोल स्टार की हेल्प से। अब पोल स्टार हमने बताया था पिछले वाली वीडियो में कि पोल स्टार कैसे देखा जाता है, आप पिछली वीडियो का रेफरेंस ले सकते हैं। वैसे इसमें क्या होता है, दो पॉइंटिंग स्टार्स होते हैं सप्तऋषि में, जो हमारी कॉन्स्टिलेशन है, उसको अगर एक एक इमेजिनरी लाइन खींचकर सीधा ले जाएँ तो वो जहाँ एंड होती है जिस स्टार पर, उसको कहा जाता है पोल स्टार या नॉर्थ स्टार या पोलैरिस। अगला इसमें टॉपिक है हमारे पास हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब कितने तरह के हीट जोन होते हैं, आइए इस डायग्राम में हम देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर दे रखा है टॉरिड जोन, यहाँ दे रखा है टेम्परेट और यहाँ दे रखा है फ्रिजिड। इसी प्रकार से साउथ वाला है और यहाँ पर भी फ्रिजिड है। अब ऐसा किस किस वजह से होता है, अगले वाले डायग्राम में हम इसको देखते हैं। ये देखिए जो फिगर दे रखी है इसमें क्या बता रखा है, टॉर्च का एग्जाम्पल है कि यहाँ से रेज आ रही हैं और वो एक कॉन्सेंट्रेटेड प्लेस पर, छोटे से प्लेस पर लगातार गिर रही हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारी हीट हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी, स्मॉल है एरिया और हीट है ज़्यादा, ठीक है। और इसी प्रकार से नीचे वाला अगर आप फिगर देखेंगे, इसमें क्या है, ये स्लांट पोजीशन है, क्या हो गया, एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया और हीट हो गई कम। जैसे जैसे एरिया ज़्यादा कवर करेगी कोई भी रेज, तो वो हीट कम करेगी, और अगर कम एरिया पे पड़ रही है वो हीट ज़्यादा करेगी। जैसा कि आपने बचपन में कभी भी एक कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा, सन की रेज को हम लेंस से कॉन्सेंट्रेट करते हैं एक कागज़ पर, और उससे क्या होता है, वो बर्न आउट हो जाता है। किस वजह से उसमें आग लगती है, क्योंकि एक छोटे से एरिया पर बहुत ज़्यादा जो एनर्जी को हम कॉन्सेंट्रेट फोकस करते हैं। तो यही इसमें चीज़ है जिसकी वजह से हमारे डिफरेंट जोन्स बनते हैं हीटिंग के आधार पर। सन की जो रेज आ रही हैं उसकी हीटिंग किस प्रकार से हो रही है, ये डिपेंड करता है, ये क्या बनाएगा अलग अलग जोन्स। अब देखिए ये है हमारा सूरज, ये सन है, सन की रेज पड़ती हैं यहाँ से। सन की रेज जब स्ट्रेट पड़ेंगी तो यहाँ होगी गर्मी ज़्यादा, और जैसे जैसे स्लांट होती जाएगी और स्लांट होती जाएगी तो क्या होगी, यहाँ पर ठंड या
जमा रहेगा, बर्फ जमी रहेगी। इसी प्रकार से यहाँ भी है, क्योंकि सन बहुत दूर है तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, पर एक्चुअल में हम देखें तो इसी प्रकार से यहाँ पर सन की रेस पड़ती हैं, क्योंकि अर्थ टिल्टेड है, दूसरी डायरेक्शन में टिल्ट होगी तो यहाँ पर भी रेज कम पड़ेंगी। तो ये था तरीका इसमें किस प्रकार से अलग अलग जोन डिसाइड होते हैं। अब इसमें हमने कर लिया टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन, मतलब वेरी कोल्ड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉन्गिट्यूड्स। अभी तक हमने किए थे लैटिट्यूड्स, अब आते हैं लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स को याद करने का तरीका है लॉन्ग से, लॉन्ग लॉन्गिट्यूड्स। ये होते हैं नॉर्थ टू साउथ पोल तक। अब जैसा कि हमने लैटिट्यूड्स में देखा था, वो होते हैं सर्कल्स, उनका सर्कल होता है। इनका भी ये भी इसी प्रकार होते हैं, पर ये सभी आपस में बराबर होते हैं, इनका साइज़ इक्वल होता है, अनलाइक लैटिट्यूड जिनका साइज़ ऊपर जाते जाते कम होता रहता है। अब देखिए हमें लॉन्गिट्यूड्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब जैसा कि हमने लैटिट्यूड्स में देखा कि ये है लैटिट्यूड, अब कोई भी लैटिट्यूड पर दो प्लेसेस सिचुएटेड हैं, मान लो यहाँ पर एक है और यहाँ एक है, जैसे इसमें एग्जांपल बता रखा है, एक तो टोंगा आइलैंड का और एक है मॉरिशियस आइलैंड का, जो कि इंडियन ओशन में है। मान लीजिए यहाँ है टोंगा और यहाँ है मॉरिशियस, अब आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे या कैसे बताएंगे, क्योंकि दोनों एक ही लैटिट्यूड पर स्थित हैं, जो है इसमें 20 डिग्री S, 20 डिग्री S इधर की साइड ले सकते हैं हम, ये है 20 डिग्री साउथ। अब इस साउथ पर एक है टोंगा और एक है मॉरिशियस आइलैंड इंडियन ओशन में, और यह है पैसिफिक ओशन में, दोनों एक ही लैटिट्यूड पर स्थित हैं, तो आप कैसे बताएंगे प्रिसाइजली कि वो कितनी दूर सिचुएटेड हैं। तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत होगी, एक और लाइन ऑफ रेफरेंस की, उसको कहते हैं हम लॉन्गिट्यूड, जो कि ये है, और इनको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी बोला जाता है, या सिंपल मेरिडियंस भी बोलते हैं। अब ये जो मेरिडियंस होते हैं, इनको डिग्री में मापा जाता है, इनको करते हैं डिग्रीज़ में। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ऐसे ये डिग्रीज़ में मापा जाते हैं, ये 0 डिग्री हो गया प्राइम, इसके बाद आगे अलग डिग्रीज़ में, और ये जो डिग्रीज़ होती हैं फर्दर इनको डिवाइड किया जाता है मिनट्स में, और मिनट्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है सेकेंड्स में। अब देखिए ये हैं सेमी सर्कल्स, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे एक सेमी सर्कल और दूसरा सेमी सर्कल, जैसे जैसे ये पोल की साइड जाते हैं, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे वाले पोल की साइड, इनके बीच का डिस्टेंस घटता जाता है, और फाइनली नॉर्थ पोल पर या साउथ पोल पर पहुँच कर ये हो जाता है 0। पोल पर पहुँच कर ये सारे मेरिडियंस आपस में मिल जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, अब मेरिडियन सारे इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, उनमें डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल होता है, तो एक मानक जिन्होंने डिसाइड किया गया बाय कन्वेंशन, या फिर कहें कि सबकी कंसेंसस से प्राइम मेरिडियन डिसाइड किया गया 0 डिग्री, जो कि पास होगा ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीन विच से। तो ये जो है ग्रीन विच से पास होता है। अब देखिए फ्रंट में जो दिखाया गया है, फ्रंट में यहाँ पर ये प्राइम मेरिडियन है, और इसके पीछे जो स्थित होता है 180 डिग्री पे, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, पिछला भी इसका सेमी सर्कल होगा जो पूरा सर्कल बनाएगा, तो पिछले वाले को नाम दिया गया 180 डिग्री मेरिडियन, और इसका नाम है 0 डिग्री मेरिडियन। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें क्या है कि 0 डिग्री से जब हम मापते हैं तो 179 इस साइड जाएंगे और 179 इस साइड जाएंगे। देखिए एक है 0 डिग्री मेरिडियन, 179 जो होंगे ईस्ट साइड पे जाएंगे, 179 जाएंगे वेस्ट साइड पे, और जो 180 डिग्री होगा वो ईस्ट और वेस्ट दोनों को शो करेगा। अब देखिए किस प्रकार शो करेगा, क्योंकि 180 डिग्री एक ही है हमारे पास, तो 179 जब ख़त्म होंगे तो 180 पर होंगे, 179 यहाँ से ख़त्म होंगे तो 180 पे, तो ये ईस्ट भी शो करता है और वेस्ट भी शो करता है, क्योंकि प्राइम मेरिडियन बीच में है, तो इधर वाले प्लेसेस को ईस्टर्न हेमिस्फेयर और इस वाले को वेस्टर्न हेमिस्फेयर कहा जाता है। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो मेरिडियंस हैं वो होते हैं 360, कैसे अभी बताया था हमने, एक 0, एक 179 ईस्ट, एक 179 वेस्ट, और एक 180 डिग्री का। 180 डिग्री इसमें सिर्फ एक ही लेते हैं, तो 179 एक ही हो गया ये, और टोटल मिला के हमारे पास बने
316 का नंबर है। अब देखिए कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जब दोनों हों हमारे पास, जैसे इस डायग्राम इसमें देख सकते हैं आप, जब हमारे पास लॉन्गिट्यूड भी है और लैटिट्यूड भी है, तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट होते हैं उस पोजीशन को हम प्रिसाइजली बता सकते हैं कि क्या लोकेशन है किसी भी प्लेस की। मान लीजिए हमें कोई लोकेशन जाननी है किसी भी जगह पर, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड माना जाता है। जिस प्रकार से आजकल चल रही है जियो टैगिंग, जियो टैगिंग में बिल्कुल सेम यही यूज़ किया जाता है। आप किसी के प्लेस पर जाएंगे, वहाँ पर उसकी लोकेशन लेंगे, तो वहाँ उसका डाटा पूरा कलेक्ट हो जाएगा लॉन्गिट्यूड प्लस लैटिट्यूड का। तो ये यूज़ होता है जियो टैगिंग में, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। अब देखिए लॉन्गिट्यूड और टाइम में क्या रिलेशन है। अब हमें पता है कि किसी भी टाइम को मेजर करना हो तो हमें किसी ना किसी की मोमेंट देखनी पड़ेगी, चाहे वो अर्थ हो, चाहे वो मून हो या प्लैनेट हो। अब जो सन है, सन रेगुलरली राइज करता है, सेट करता है, तो नेचुरली ये बेस्ट टाइम कीपर है थ्रू आउट द वर्ल्ड। लोकल टाइम हम निकाल सकते हैं सन से, जैसे एंशियंट टाइम में निकाला जाता था सन डायल, या फिर अलग मतलब सन को, सन की शेडो को यूज़ करके। और इसी प्रकार से अब देखिए जैसे सन है ग्रीनविच पर, ये कैसे टाइम निकलता है, ये है आपका प्राइम मेरिडियन, सन है हाई इन द स्काई, तो ये जब यहाँ रेस डालेगा तो इन सारी लोकेशंस पर हम मानेंगे मिड डे और नून। ठीक है, तो ये जैसे हम देखें एक पोजीशन मान लीजिए यहाँ है, मान लीजिए यहाँ 12 o'clock है, इस जगह पर भी 12 o'clock होगा, इस जगह पर भी 12 o'clock होगा। हमें पता है कि यहाँ है समवेयर दिस साइड क्या है, यूरोप से ऊपर लंदन, ग्रीनविच है वहाँ, यहाँ अफ्रीका है और यहाँ नीचे अंटार्कटिका है। तो यहाँ पर सारी जगह पर टाइम होगा 12, ये अगर यहाँ है तो हर जगह यही होगा। तो ये है खासियत लॉन्गिट्यूड की। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे हमारी अर्थ है वो घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, तो यहाँ पर जितने भी प्लेसेस होंगे उनके पास टाइम हमेशा एडवांस होगा। ये प्राइम मेरिडियन है, यहाँ पर मान लीजिए 12 बजेंगे तो उससे आगे वाले उसमें 10 होंगे, 11 होंगे, 12 से नीचे नीचे टाइम होगा। और यहाँ पर देखेंगे तो 12 से ऊपर टाइम होगा, जैसे यहाँ पर होंगे 2, 3 इस प्रकार से। अब इसमें देखिए एक हमारे पास कैलकुलेशन आती है कि किसी भी प्लेस को हमें टाइम बताना हो क्या हुआ है ग्रीनविच के अराउंड। अब ग्रीनविच है हमारा 0 degree, ठीक है, और इंडिया है हमारा 82.5, जो उसका स्टैंडर्ड टाइम हमें ले रखा है डिग्री ईस्ट। तो अब हमें पता है कि अर्थ जो है एक रोटेशन अपना करती है 360 degree में, और कितना टाइम लगता है उसे, 24 घंटे। तो यदि हमने देखना है कि एक घंटे में कितना घूम रही है तो वो होगा 15 degree, इसको डिवाइड करके आ जाएगा। और यदि हमने देखना है कि एक डिग्री कितनी देर में जा रही है, तो एक डिग्री का टाइम हमारे पास आता है, एक डिग्री घूमती है 4 मिनट में। ये सारी कैलकुलेशन करके आपको आराम से पता लग सकता है, जैसे यहाँ लिखा गया 1 degree 4 minutes में। तो यदि हमें पता है 1 degree में 4 minutes जा रहे हैं, तो यदि अगर कोई हमें एग्जाम्पल दे कि ग्रीनविच से प्राइम मेरिडियन से 15 degree east का टाइम बताइए हमें, तो क्या हम उसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल। अब ये 0 है, यहाँ पर 15 degree है, 15 degree, ठीक है, 1 degree में 4 minutes होते हैं, तो 15 degree में कितने होंगे, 60 minutes। और ये तो हमें वैसे ही पता है कि 15 degree में 1 घंटा मूव करती है। तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ 12 बजे हैं, तो यहाँ पर क्या बजा होगा, 1। और अगर इधर जाएं हम 15 degree west, तो वहाँ क्या होगा, 1 घंटा कम, यहाँ बजेंगे 11। तो ये चीज़ देखिए दिमाग में रखनी है किसी भी चीज़ को करने से पहले। अब देखिए लास्ट टॉपिक इसमें बताया गया है स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम हम क्यों लेते हैं, क्या ज़रूरत है इसकी? जो भी देश लैटिट्यूडनली एक्सटेंडेड होता है बहुत ज़्यादा प्लेस पर, तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं। मतलब कई जो कंट्रीज हैं, जैसे रशिया है, US से है, वहाँ पर टाइम स्केल ज़्यादा, एक से ज़्यादा टाइम स्केल का यूज़ किया जाता है, पर इंडिया में देखिए एक ही टाइम स्केल का यूज़ किया गया है। इसके कई रीज़न्स हैं
वैसे बोला जाता है कि यूनिटी रहे इंडिया में, हर जगह एक ही स्टैंडर्ड फॉलो हो, और हर एक चीज़ देखिए टाइम के पूरे शेड्यूल से चलती है, तो इसीलिए स्टैंडर्ड टाइम अभी तक एक रखा गया है। पर टाइम टू टाइम यहाँ पर चाय बागान जो नॉर्थ ईस्ट का है टाइमिंग जो पहले चलता था, उसकी मांग उठती है कि हमें चाय बागान टाइम दिए, लोकल टाइम हमें दिया जाए, पर देखिए अब तक ये फुलफ़िल नहीं हो पाया। अब मांग इसलिए उठती है क्योंकि देखिए यहाँ से लेकर अगर आप यहाँ तक आएंगे तो इसमें लगभग 1 घंटा 45 मिनट का फ़र्क है। अगर यहाँ सूरज उगता है 4 बजे तो यहाँ पर आते आते लगभग 6 बज जाते हैं सूरज को उगते हुए, तो देखिए टाइम का कितना डिफरेंस है। और ये इससे क्या होता है कि एनर्जी सेविंग नहीं होती। अब मान लीजिए यहाँ ऑफिस का टाइम 8 बजे है या 9 बजे है, तो यहाँ भी ऑफिस का टाइम 9 बजे है, जबकि यहाँ पर 4 बजे ही सूरज उग गया, सवेरा हो गया, 9 बजे तक आते आते इनके यहाँ दोपहर हो जाएगी और यहाँ पर नहीं होगी। तो देखिए ना कितना टाइम का डिफरेंस है और कितनी लाइट्स वेस्ट होती हैं। उसी प्रकार से इनका शाम का शेड्यूल रहता है। तो देखिए टाइम टू टाइम ये मांग उठती है कि हमें लोकल टाइम दीजिए, स्टैंडर्ड टाइम को इसको हटाइए। तो देखते हैं क्या होता है आगे। अच्छा, हमारा जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है वो है 82 डिग्री 1/2 ईस्ट में, ठीक है। इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया के लिए, और जो पूरी कंट्री को स्टैंडर्ड टाइम बताता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये 5.5 घंटे है, 5.5 घंटे पहले है ग्रीनविच से। तो देखिए ये था हमारा चैप्टर ग्लोब लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अगर आपको इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक लगे जो मुझसे कवर नहीं हो पाया है तो कृपया इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए और ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।